कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात उपस्थित सर्वांचं पुन्हा एकदा डॉक्टर अलका मांडके आणि मांडके परिवार यांच्यातर्फे हार्दिक स्वागत. कार्यक्रमाच्या पूर्वार्धात आपण डॉक्टर नीतू मांडके यांची महती आणि त्यांनी यशस्वी उपचार केलेल्या रुग्णांची मनोगत ऐकली. एका खूप मोठ्या खूप प्रतिभावान अशा व्यक्तीच्या स्मरणामध्ये आपण सर्वजण दंग झालो आणि आता आपण पाहणार आहोत अनुभवणार आहोत नृत्यरंग. भारतरत्न स्वरसम्राज्ञी लतादिदी मंगेशकर यांच्या स्वर्गीय अजरामर अशा आवाजाने लोकप्रियतेचा उच्चांक गाठलेली गाणी आणि त्या गाण्यांवर विविध नृत्यशैलींमधून साकारलेल्या नेत्रदीपक नृत्य संरचना याची अनुभूती घेण्यासाठी आपण सर्वजण सिद्ध झालेले आहोत. आणि सुप्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना गुरु शुभदाजी यांच्या संकल्पनेमधून ही हा कार्यक्रम निर्माण झालेला आहे. मी त्यानंतर तुमच्याशी संवाद साधणारच आहे, परंतु आत्ता आपण सर्वांनी त्यांना त्यांच्या संपूर्ण संचासाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया आणि लगेचच कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धाला आपण प्रारंभ करूया. Beep.
सर्व रसिक प्रेक्षकांचं मी हार्दिक स्वागत करते. आज आपण इथं डॉक्टर नीतू मांडके यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ एकत्र आलो आहोत. त्यांच्या स्मृतीमध्ये त्यांना अभिवादन करून आम्ही सादर करत आहोत राम रतन धन लता मंगेशकर. आज इथं लता दिदींच्या सुमधुर सुरांचा आनंद घेताना इतर कुठल्याही आवाजाचा व्यत्यय नको म्हणून आम्ही निवेदनच ठेवलं नाही. आणि मी देखील माझ्या आवाजाचं प्रदूषण नको म्हणून अगदी थोडक्यात लता दिदींच्या आठवणींना उजाळा देणार आहे. रामरत्न धन म्हणताच आपल्या कानात गुंजतो तो लता दिदींचा सूर आणि डोळ्यासमोर येते श्रीरामाची मूर्ती. पण हा राम तो अयोध्येतला राम नाही. रामरत्न धन हे तो राम तर आपल्या मनामध्ये वसलेला आहेच, पण रामरत्न धन हे एक विशेषण आहे. ते लता दिदींना सर्व समर्पक आहे. वॉर्म ग्रीटिंग्स टू यू ऑल. आय वेलकम यू ऑल फॉर रामरत्न धन लता मंगेशकर अ क्लासिकल डान्स होमेज टू भारतरत्न लता मंगेशकर. लता मंगेशकर इज नॉट जस्ट अ नेम. It's over the years it has become an adjective to describe something which is perfect, something which is excellent. Usually celebrities have fans, but Lata Didi has devotees. For if melody is link to connect man to Almighty, then it is her sur which takes us near that Almighty, which makes us very universal and gives us the glimpses of that omniscient and omnipresent existence in this world. All the barriers of film music, classical music, contemporary folk disappears when her voice, like a melted silk, falls on our ears and travels to our heart and reaches to the soul. Today we are going to present some of her sweetest melodies in different forms of Indian classical dance. So our first presentation is one of the most sweetest melody of Lata Didi, presented by exceptionally talented Kathak exponent Pooja Pant. Pooja Pant with her Pooja Pant Dance Company. Thank you. Yeah.
रात को जब चांद चमके जल उठे धन मेरा, मैं कहूँ मत करो चलना इस गले का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे धन मेरा, मैं कहूँ मत करो चलना इस गले का फेरा। हमारे देश के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता जो प्रखर वक्ता थे और हृदय से मृदु कवि थे, वे थे हमारे भूतपूर्व दिवंगत पंत प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो लता दीदी को अपनी मानस कन्या मानते थे। एक बार उन्होंने लता दीदी को कहा कि लता, तुम्हारा और मेरा नाम तो एक ही है। लता दीदी चौंक गई तो उन्होंने कहा, अगर मेरा नाम अंग्रेजी में उल्टा लिखते हैं तो लता हो जाता है। ये सुनकर लता दीदी बहुत हंस पड़ी। लेकिन ये दोनों भारत रत्नों में एक ऐसा गुण था, वो था दोनों भी कविता के प्रशंसक थे और खासकर संत साहित्य के, मराठी संत साहित्य के। महाराष्ट्र तो संतों की भूमि मानी जाती है और संत तुकाराम जी की एक रचना लता दीदी की आवाज़ में अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें विट्ठल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसके गले की तुलसी माला, पीत वस्त्र, मकर कुंडल, इनका वर्णन है। लेकिन ये वर्णन बहुत ही प्रतीकात्मक है और शास्त्रीय नृत्यों में हम काव्य का अर्थ तथा गर्भित अर्थ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इसमें जब तुकाराम महाराज मकर कुंडल कहते हैं तो ये मकर कुंडल उस प्रसंग का प्रतीक है जब भगवान ने मासूम हाथी को क्रूर मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। ये उसका सौंदर्य है, ये उसकी ऊर्जा है जो हर बार सत्य के साथ रहती है और असत्य का नाश करती है। और इसी सौंदर्य का वर्णन लता दीदी की सुंदर आवाज़ में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इसमें मेरे साथ नृत्य कर रही है भरता कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कल्चर की विद्यार्थिनी और ये डॉक्टर संध्या पुरेचा जी की, गुरु डॉक्टर संध्या पुरेचा जी की शिष्याएं हैं और उनकी तालीम में अभी ये उभरती हुई नृत्यांगनाएं हैं। ये है चित्रा दलवी वर्तक, सानिका शिंदे, आयुषी नायर, मनस्वी मिर्लेकर, ये चारों मेरे साथ इस प्रस्तुति में शामिल हो रही है। धन्यवाद। ध्यान उभे बीते वारी
सुर ताल और लय के नंदनवन में आए हैं। प्रसिद्ध संगीतकार और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व ने कहा था कि अगर आपको तानपुरे से गूंजता हुआ गंधार सुनना है तो लता का गाना सुनिए। जिनके गले से तानपुरे का गंधार निकलता था, सप्त सूर जिनके अधीन थे, उस लता दीदी की आवाज़ में अब हम सप्त सुरों का वर्णन देखते हैं, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं पवित्र भट्ट विजुअल इंस्टीट्यूट के कलाकार भरतनाट्यम नृत्य शैली में। पाकिस्तानी पत्रकार ने हिंदुस्तान के बारे में कहा था, करोड़ों आवाम यहाँ बसते हैं, हजारों फनकार रहते हैं, पर बस एक है ताज और एक है लता की आवाज़।
लता दीदी बहुत ही विनम्रता से कहती थी कि मेरी आवाज़ ये भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। ऐसी ही एक खूबसूरत ईश्वर की देन है हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश मणिपुर, जिसे देख लगता है झोंका हवा का आया, झोंका हवा का आया खूबसूरत पहाड़ियों से, शाम रंग ले आया परियों की नगरी से, परियों की नगरी से। अब मणिपुरी नृत्य सादर करने आ रही है हमारे देश की बहुत ही प्रख्यात नृत्यांगना लता सना देवी जी। लता सना जी को इस साल का संगीत एकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और हम बहुत ही खुश और भाग्यवान हैं कि वे आज यहाँ मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत कर रही है। और जब आप वो नृत्य देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे यहाँ गोकुल अवतीर्ण हुआ है। पूर्ण जा तुझा घरी आज गोकुळा तरंग खेळतो हरी राधिके जरा जपून जा तुझा घरी आज गोकुळात सखी साल फिल्म फेयर का ज्येष्ठ गायिका का पुरस्कार मिल रहा था।
तो फिर 1968 में उन्होंने तय कर दिया कि ये पुरस्कार मैं नहीं लूँगी, ताकि अन्य कलाकारों को, अन्य गायिकाओं को ये पुरस्कार मिले। ये बात सुनकर अभिनेत्री मीना कुमारी ने कहा था, ऐसे लग रहा है जैसे किसी मलिका ने अपना तख्त खुशी से त्याग कर दिया है। इन दोनों महान कलाकारों की याद में प्रस्तुत है अगली प्रस्तुति कथक नृत्य शैली में, जिसे प्रस्तुत करने जा रही है प्रसिद्ध नृत्यांगना हमारे विले पार्ला की बहुत ही नामचीन गुरु है वैशाली पोतार जी। हाँ
महाराष्ट्र के महान साहित्यिक पु ल देशपांडे ने जागतिक मराठी परिषद में लता दीदी को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर मुझे कोई पूछे कि ईश्वर इस अवकाश में है तो मैं कहूँगा कि वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस अवकाश में एक सूरज है, एक चंदा है और एक लता का स्वर है। संपूर्ण अवकाश जिस स्वर में समेटा है, उस स्वर में अब मैं आपके सामने एक मराठी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये काव्य है मराठी के महान कवि वसंत बापट लिखित, जिसमें इन्होंने अवकाश में, तारों में, सूरज में उस परातत्व की अनुभूति पाई है और उसे प्रार्थना की है कि हमारे जीवन से अज्ञान का अंधेरा दूर कर दे और ज्ञान का प्रकाश हमें दे दे। तो ये बहुत ही सुंदर काव्य अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ और इसमें मुझे साथ दे रही है मेरी शिष्या तथा गुरु निवेदिता मुखर्जी जी की शिष्याएं। ओडिसी नृत्य शैली में अभी ये मैं प्रस्तुति करने जा रही हूँ। करू
राम लल्ला तो अब अयोध्या में विराजित है, लेकिन जब श्री राम अयोध्या से विजय पाकर श्रीलंका से विजय पाकर अयोध्या वापस आए थे, तब उनके स्वागत में प्रत्यक्ष शिवशंकर कैसे उनका गुण गाएंगे, इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है 16वीं शताब्दी में, और वही रचना अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर पीयूष राज और रिद्धि मिश्रा जी। ये दोनों कलाकारों के बारे में मैं क्या कहूँ, जितने अच्छे वो नर्तक है उतने ही उच्च स्थान पर वे हैं। डॉक्टर पीयूष राज ने फार्मेसी में डॉक्टरेट की है और नृत्य अलंकार भी है, और अपने नटनम स्टूडियो फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के माध्यम से वे शास्त्रीय नृत्यों का प्रचार और प्रसार करते हैं। और रिद्धि मिश्रा जी कथक नृत्यांगना है और बहुत ही उच्च स्तर पर इनकम टैक्स के कमिश्नर भी है। देखिए, कला से लगाव होता है, तो इन दोनों भी कलाकारों का हम फिर से तालियों से स्वागत करेंगे।
आकाश में चंद्रमा का उदय हुआ था तब मेरा जन्म हुआ। पहले मेरे अम्मी ने मुझे गोद में लिया, फिर मुझे अब्बा जी ने गले लगा लिया और तुरंत बाद ही लता जी के सुरों ने मुझे अपने पहलू में ले लिया। ये शब्द है महान गायिका, शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना जी के। परवीन सुल्ताना जी के पिताजी शास्त्रीय गायक थे और उनकी इच्छा थी कि परवीन जी के कानों पर सर्वश्रेष्ठ सुर ही पड़े, और इसीलिए बचपन में वे सिर्फ लता जी के गाने सुनती थी। इस सुरों में इतनी पवित्रता है कि ये जो गीत उनका जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे हम शास्त्रीय नृत्य शैली में जो अष्टपदी प्रस्तुत करते हैं वो याद आती है, जिसमें हम मधुरा भक्ति दिखाते हैं। मधुरा भक्ति यानी जहाँ भक्त खुद को भगवान की प्रियतमा मानता है और वो जहाँ भी देखे उसे भगवान ही दिखते हैं, श्री कृष्ण ही दिखते हैं। और ऐसी ही अष्टपदी में दिखी हुई भावना मुझे इस काव्य में दिखाई दी। वो काव्य है तू चंदा मैं चांदनी, तो बादल में बिजुरी। ये नृत्य हमारे शास्त्रीय नृत्य शैली के माध्यम से मैं एकल नृत्य यानी अकेली प्रस्तुत करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ है हमारे सब के हृदय में बसा हुआ लता दीदी का सुर और आप सब रसिक जन। Yeah.
हमारे देश का एक ऐसा नाम है जो नाम सुनते ही हर एक इंसान नतमस्तक हो जाता है, वे है छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जीवन स्वातंत्र वीर सावरकर अधूरे गीत कहते हैं तो वो गीत अमर हो जाता है, और जब वो गीत लता दीदी गाती है तो वो अजरामर हो जाता है। अभी एक ऐसी प्रस्तुति हम आपके सामने प्रस्तुत करें, हम सब भरता कॉलेज फॉर फाइन आर्ट्स एंड कल्चर के कलाकार, मैं स्वयं लता सना देवी जी और हमारे भरता कॉलेज की ओर डॉक्टर संध्या पुरेचा जी की शिष्याएं चित्रा दलवी वर्तक, सानिका शिंदे, आयुषी उनको लग रहा है मैं भूल रही हूँ नाम पनस्वी मेरलेकर और आयुषी नायर, हम सब आपके सामने ये प्रस्तुति करें। धन्यवाद। तो
लता दीदी ने भारत के लगभग सभी भाषाओं में गाने गाए हैं। एक बार उस्ताद हालिम जाफर खां साहब, जिनकी हलीम एकेडमी ऑफ सितार के लिए मैंने कई बार कार्यक्रम किए हैं, तो ये कही सुनी बात नहीं, मैंने खुद के कानों से सुनी हुई बात है कि उस्ताद हलीम जाफर खां ने कहा था, ये एक ऐसी सिंगर है जो कभी लफ्ज़ों में गलती नहीं करते, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो। और जब भी हम उनके गाने सुनते हैं तो ये एहसास होता है कि जिस तरह वो सुर को अपनाती है, उसी तरह जो भी भाषा में वो गाती है वो भाषा वो अपना लेती है। ऐसी उनकी सुरों की मोहिनी है। और
इन सुरों की मोहिनी को प्रस्तुत करने अब आपके सामने आ रही है। मोहिनी अट्टम की एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना डॉक्टर ऐश्वर्या वॉरियर, जो कि भारत भर में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इन्होंने काफ़ी नृत्य प्रस्तुति की है, और आज हम बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐश्वर्या जी हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर गज़ल प्रस्तुत करने जा रही है। कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता है, एक संदेश, अच्छा संदेश देना और साथ ही रस निर्मिति करना, ये हमारी कला का उद्देश्य होता है। नाट्यशास्त्र जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में रस उत्पत्ति के नियम लिखे गए हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व जी कहते थे कि हम शास्त्रीय कलाकार 3 घंटे की महफिल में जो रस निर्मिति करते हैं वो लता जी 3 मिनट के फिल्म सॉन्ग में कर देती है। तो ऐसा ही एक खूबसूरत फिल्म सॉन्ग अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और वो प्रस्तुत करने जा रही है मणिपुरी नृत्यांगना लता सना देवी और उनके शिष्य। इसमें एक ख़ास बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे NCPA के नृत्य परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हम मुंबई के विविध म्यूनसिपल स्कूल्स में जाकर वहाँ के बच्चों को नृत्य सिखाते हैं। लता सना जी ये कार्य बहुत सालों से कर रही है, और हमारा उद्देश्य यही है कि ये नृत्य कला समाज के हर स्तर तक पहुँचे। और आज मुझे बहुत खुशी है और नाज है लता सना देवी पर कि उनके साथ जो शिष्य नृत्य कर रहे हैं वो नृत्य परिचय के प्रिंसिपल स्कूल के बच्चे वहाँ सीख के अभी बड़े हुए हैं।
बड़ा अवार्ड फंक्शन हो रहा था और जिसमें सर्वोत्कृष्ट संगीतकार का नाम पुकारा गया, लेकिन वो संगीतकार मंच पर आ ही नहीं रहा था। ये नाम था संगीतकार आनंद खन, यानी लता दीदी। लता दीदी ने बहुत ही सुंदर गानों की रचना की है और ये चंद गाने अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे और उसे प्रस्तुत करने जा रही है कथक के प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं डॉक्टर वृषाली दापके। उनके साथ है गुरु हर्षदा जांबेकर और गुरु प्रियंका शिंदे और इन तीनों की शिष्याएं। धन्यवाद। स्वधर्मुहापुला जरीका कठिन जाहला तरी हाची वनुष्ठिला भला देखी
Thank you.
मी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती पुरा मी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती देवदेशन धर्मापायी प्राण घेतल हाती पुरा मी सरदार काय कुणाची भीती महान कवी माधव महानोर ने अपने गांव में एक उद्यान बनाया है और उस उद्यान को उन्होंने लता जी का नाम दिया है। उस उद्यान की जमीन बहुत ही बंजर थी, फिर भी सभी विपरीत परिस्थितियों पर मात कर उस उद्यान में एक सीताफल के झाड़ उगने लगे और उस पर बहुत ही मीठे फल आने लगे। कवि नाधो महानोर को उन फलों में लता दीदी का जीवन प्रतीत हुआ। बहुत ही संघर्षमय उनका जीवन रहा। बचपन में पिताजी की मौत के बाद अपने भाई बहनों को साथ लेकर उन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष कर उच्चतम पद प्राप्त कर दिया। तो उस उनके संघर्ष का प्रतीक देखकर कवि नाधो महानोर ने उन सीताफलों का नाम लताफल रख दिया, जो अभी भी मीठे फल देते हैं। और ऐसा ही एक मीठा गाना अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरे साथ है पवित्रा भट्ट विजुअल आर्ट इंस्टीट्यूट के भरतनाट्यम कलाकार।
लता दीदी की आवाज यानी पूर्णत्व का प्रतीक। महान संगीतकार स्वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने कहा था कि मैं लता का गाना बार बार सुनता हूँ, कई बार सुनता हूँ, इसलिए कि कहीं तो चूकती रहेगी, लेकिन ना, उसका सुर कभी भी गलत नहीं लगता। तो ये तो एक पूर्णत्व का स्वरूप ही है उनकी आवाज़ में। अब जो हम गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो एक ज़माने में प्यार की फिलोसफी बन गया था, प्रेम से भरा हुआ ये गीत कौन सा है आप गेस कर सकते हैं? प्यार किया तो डरना क्या। प्रस्तुत करने जा रही हमारी बहुत ही टैलेंटेड पूजा पंत और पूजा पंत डांस कंपनी के कलाकार। Bye.
देश भाषा धर्म सभी दीवारें पिघल जाती है और ये आवाज़ हमें एक साथ कर देता है। हमारे देश की विविधता में एकता का एक प्रतीक है और आज भी सबका साथ सबका विकास का ये प्रतीक है। यही संदेश देने वाला एक गीत हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसमें मेरा साथ दे रहे हैं डॉक्टर पीयूष राज, लता सना देवी जी और रिद्धि मिश्रा जी। द्रवहुसु दशरथ अजीर विहारी आपके होते हुए
profound emotion of mankind is his love for his motherland. Lata Didi was bahut hi prakhar deshbhakt thi aur unke deshbhakti ke geet sunkar jawanon mein prerna aati thi. सभी लोगों में जागृति होती थी और हमारे नेताओं में भावुकता निर्माण हो जाती थी. लता दीदी के स्वर में अभी हम देशभक्ति पर गीत सुनाएंगे और इसी से हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, जिसमें हम हमारे देश के जवानों को, शहीदों को याद करेंगे. ये प्रस्तुति समर्पित है हमारे उन सभी शहीदों को जिनके बलिदान के कारण हम इस देश में सुख और शांति से जी सकते हैं. हिंदुस्तान जो शहीद हुए
मी विनंती करतो की पुन्हा एकदा आत्ता जेवढ्या टाळ्या झाल्या त्याच्या दुपटीनी टाळ्या सगळ्यांसाठी झाल्या. त्या टाळ्या शुभदाताईंच्या संकल्पनेला, त्यांच्या निर्मितीला, त्यांच्या दिग्दर्शनाला तर आहेतच, परंतु त्याचबरोबर या सगळ्यांनी ज्या गुरु आहेत ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळी मंडळी तयार होतात त्यांच्यासाठी सुद्धा टाळ्या सुरू राहिल्या पाहिजे. आणि इतकी अप्रतिम प्रकाश योजना नेहमीप्रमाणे ज्यांनी उत्तम केलेली आहे ते शीतल तळपदे त्यांच्यासाठी सुद्धा मी विनंती करतो. अलकाताईंना की त्यांनी आपल्या प्रथेप्रमाणे पुस्तक भेट आणि शाल देऊन शुभदाताईंचा इथे सन्मान करावा आणि त्यांचं इथे मनापासून आपल्या सर्वांच्या वतीने अभिनंदन देखील करावं. निव्वळ अप्रतिम इतकंच म्हणता येईल. अविनाश पराडकर, प्रदीप पराडकर यांची ध्वनी व्यवस्था, आमचे राजूजी सुर्वे यांनी मागे जी सगळी LED वरची करामत सांभाळलेली त्यांची सगळी व्यवस्था, किशोर इंगळे प्रवीण यांचा क्र्यू शीतल यांच्यासोबत होता त्यांची मेहनत, आणि अर्थातच शीतल तळपदे यांची इतकी अप्रतिम संरचना, क्या बात है. हे सगळं जमून आलं. आज 6:15 लोक आलेत अलकाताई. 6:40-6:50 आपला कार्यक्रम मध्ये कुठेतरी सुरू झाला आणि आत्ता 11:35 झालेत. 5 तास मंडळी थांबलेली आहे हेच खरं तर मला असं वाटतं. याच्यावर दुसरी पावती काय असणार त्या बाबत शुद्धा नाही. तुम्ही या निमित्ताने काही बोलू इच्छिता? खूप खूप धन्यवाद. या नाट्यगृहाचं नाव दिनानाथ मंगेशकर आहे आणि या नाट्यगृहात हा कार्यक्रम सादर करायला आम्हाला संधी दिली त्याबद्दल मी आपले खूप खूप आभारी. मला काहीही कल्पना नव्हती, काहीही ऐकलं नव्हतं, माहिती नव्हतं. विनीतनी फक्त सांगितलं हा अशा प्रकारचा कार्यक्रम आहे. लता दिदींच्या ओरिजिनल गाण्यांवर बसवलेले हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे डान्स आहेत आणि ह्या गुरुवर्य आहेत त्याचं सगळ्यांचं लीडरशिप करणाऱ्या, आणि खरोखर प्रत्येक नर्तिका सगळ्या मुली अतिशय सुंदर हावभाव हालचाल आणि बघत राहावं असं अतिशय उत्तम कार्यक्रम झालेला आहे. खूप खूप धन्यवाद. मला माहिती आहे थोडासा वेळ अजून जाईल, पण खरं सांगू का, आत्ता तुम्ही म्हणालात मास्टर दिनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह, इथे लता मंगेशकरांच्या गाण्यांचा कार्यक्रम होतो आहे, त्यामुळे या प्रत्येक कलाकाराला आज नक्कीच एक अभिमान वाटत असेल. आणि मला असं वाटतं कलाकार हा प्रतिसादाचा भुकेलेला आहे, व्यवहार नंतर येतो, आणि जो तुम्ही अप्रतिम दिलेला आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की या प्रत्येकाचा नामोल्लेख झाला पाहिजे, प्रत्येक कलाकाराचं नाव इथे आलेल्या प्रत्येकाला कळलं पाहिजे असं मला मनापासून वाटतं. ही परवानगी अर्थातच मी त्यांची घेतली आणि आता कशा पद्धतीने करायचं सांगा. मी खूप प्रयत्न करते नेहमी की माझ्या सर्व कलाकारांची नावं मी नृत्याच्या आधी घेईन, पण 8-8 नर्तक नृत्य करत असताना सगळ्यांची नावं लक्षात ठेवणं कठीण जातं, म्हणजे माझी ती मेमरी टेस्ट असते, पण तरी मी प्रयत्न करते. मला वाटतं मी प्रत्येक गुरुवर्यांना इथे बोलवते आणि त्यांनी त्यांच्या शिष्यांची नावं. ऐश्वर्याजी, डॉक्टर ऐश्वर्या वॉरियर, कॅन यू प्लीज? Yeah, I'd like to introduce Deepa Mani and Neha Mani, who accompanied me today. Bahut dhanyawad. Dhanyawad, Shubhada ji, hamein. Lata Sana Devi ji, please. Aapke bachon ka introduction. Aa jao, samne. Manas Ahire, Rusi Yadav, Pranali Maske. डॉक्टर वृषाली दाबके प्लीज.
माझ्या विद्यार्थिनी तन्वी माने, आद्या राजे, मीका करंदीकर, अनया कुलकर्णी, रिया घोरपडे, श्राव्या भिलारे, प्रियांका शिंदे प्लीज, सानिका पवार, हर्षा सावंत, स्वानंदी दाते, ओजल खानविलकर, थैंक यू. श्रावणी रत्नपारखी, स्वरा राणे, वंशिका सुरते, सानवी जांबेकर. आमच्या ओडिसीच्या नृत्यांगना आहेत आद्रई चौधरी, शेषी मजुमदार, श्री जासी, श्री निधी मोहन. या आरत्रिका इन्स्टिट्यूटच्या आणि या गुरु निवेदिता मुखर्जी यांच्या शिष्या आहेत होती. आणि याचबरोबर आता मी पूजाला तर मी देणारच आहे ती आपली पार्ल्यातलीच आहे, पण 2 मिनटं आपल्या या ज्या भरतनाट्यम ज्या छोट्या मुली आहेत पवित्रा भट, विज्युअल आर्ट इन्स्टिट्यूटच्या मुली आहेत. आज यांचे गुरु पवित्रा भट अतिशय उत्कृष्ट भरतनाट्यम नर्तक, पण काही कारणामुळे ते येऊ शकले नाही, तर या मुलींनी इतकं उत्कृष्ट नृत्य केलं आपल्या गुरुशिवाय, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. आणि आठ बच्चों का नाम मुझे याद रखना मुश्किल है. समीक्षा मोहंती, शैनेन्द्री भोपी, अपर्णा प्रसाद, मालविका नायर, दिशा, प्रेक्षा मोली, नायम आदित्री आर्मी. थैंक यू. पूजा पंत डांस कंपनी. श्रेया लोपेज, गौरी गोखले, वरदा काणे, क्षमा, विदिशा नवलकर, रिया सिद्धे, सानिया पेठे, तन्वी कामत. वैशाली पोतदार आपण आधी पार्ल्याच्या श्रेष्ठ गुरु आहेत पूजा आणि वैशाली. जुई पाठक, गायत्री शिरसावकर, गौतमी, वैष्णवी. त्यानंतर आमच्या भरता कॉलेज फाईन आर्ट्स अँड कल्चर आणि डॉक्टर संध्या पुरेचा यांच्या शिष्या सानिका शिंदे, चित्रा दळवी, मानसी मिरलेकर आणि आयुषी नायर. चौघी डॉक्टर संध्या पुरेचा यांच्या शिष्य आहे. यानंतर डॉक्टर पियुष राज, मधुरा गुप्ते, शिल्पा मुंगेकर, एंड विथ मी इज माय गुरु बहन रिद्धि मिश्रा. You here, and we are very happy that today somebody has come here not as a joint police commissioner but as a husband. So I have to congratulate him for beautiful performance of his wife Mishra ji. And Dilip Shinde ji bhi yahan aaye hain. Dilip Shinde ye to hamare yahan ke commissioner, collector, bahut kuch the, aur ek saath wo do char पोस्ट पे भी रहते हैं. लेकिन दिलीप शिंदे जी की एक खास बात है कि वो कला प्रेमी हैं और सभी कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं. तो ऐसे मान्यवर यहाँ है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए
और आपसे जो प्रेरणा मिली है उस प्रेरणा से हम किसी तरह अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण विनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अलका जी और बस डॉक्टर नीतू मांडके जी की स्मृति में ये कार्यक्रम समर्पित करने में हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। धन्यवाद। केवळ एक आमंत्रण करतोय, नृत्याचा कार्यक्रम आहे, सर्व नृत्यप्रेमी आहेत म्हणून एक आमंत्रण करतोय। 20 जून शिवराज्याभिषेकाचा तिथीप्रमाणे शिवराज्याभिषेक दिवस आहे। गेल्या शिवराज्याभिषेक दिवसाला आम्ही संकल्प केला 12 कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात करणार, त्याची सांगता दिनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात 20 तारखेला आम्ही करतोय। शिवकल्याण राजा पुन्हा एकदा दीदी, दीदीची सर्व 10 च्या 10 गाणी शिवकल्याणमधली आम्ही ह्याच मंचावर वैशाली पोद्दार यांच्या नुपूर कथक अकॅडमीसोबत इथे आम्ही सादर करणार आहोत। संपूर्णपणे विनामूल्य असा हा कार्यक्रम असणार आहे। तुम्हाला सर्वांना मी अलकादाईंची परवानगी घेऊन तुम्हाला सर्वांना आमंत्रित करतो आहे, आणि नक्की मला मेसेज करा, सगळ्यांना नीट पासेस मिळतील याची जबाबदारी माझी। धन्यवाद। शुभरात्री।